रूमी ठीक है ना? वो कैसे ठीक हो सकता है आंटी? क्यों, क्या हुआ उसे? सदान भाई आए थे। मैं ये तो नहीं जानता कि उनके बीच में क्या बात हुई है, लेकिन सदान भाई ने सारिन के मुंह पे थप्पड़ मारा। What? आप प्लीज सदान भाई से कहें कि उसे यहाँ तो आराम से रहने दे। अच्छा थैंक यू बेटा, मैं बात करती हूँ। अनिष्पा जी। आंटी सादान को फोन करो, उसे कहो फौरन वापस आए। क्यों, क्या हुआ है? छोड़ो इस बात को, तुम सादान से कहो फौरन घर पहुंचे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मत करो ऐसे ड्रामे मेरे साथ। कहाँ भेजा है तुमने सादान को? आंटी मैंने कहीं नहीं भेजा है उन्हें। तो फिर वो सारिन की जान के दर पे क्यों है? वहां तो उसे चैन से रहने दो। वो सारिन की तरफ सिर्फ उसे समझाने गए होंगे और कुछ नहीं। सादान उसे क्या समझाएगा? वो तो वही समझाएगा ना जो तुम उसे समझाती हो। बस कर दो अलिश्पा प्लीज, खुदा के लिए, ये है मेरे दो हाथ, मेरे बेटों में फूट मत डालो। ठीक प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, ना मैं ऐसा कुछ चाहूंगी जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। तुम अगर ऐसा ना चाहती तो मेरे बेटों की जिंदगी से बाहर निकल चुकी होती। आंटी आप खुद मुझे यहाँ लाए। इस गुनाह की सजा तो मैं उम्र भर काटने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे दोनों बेटे आपस में दुश्मन हो जाए। खुदा का वास्ता है तुम्हें, छोड़ दो, मेरा सब कुछ छीन लो, जैसे मेरे बेटे को तो छीन ही लिया है ना। खुदा के लिए मेरे बेटों की जिंदगियों से मत खेलो। बस कर दे आंटी, इतना मत आजमाए मुझे कि मेरा सब्र खत्म हो जाए।